ये हो गया हमने, किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है, चैनल पूरा डिलीट हो जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे मैंगो शेक से। तो कल हम लोग गए थे केरला स्टोरी देखने, वहाँ का बढ़िया मजेदार एकदम सीन बना, वहाँ पे सब्वे खाया, आइसक्रीम खाई जेड स्क्वायर में, मजा आ गया। लेकिन गाइस मूवी बहुत बढ़िया थी। अभी आप लोगों के कोई कमेंट नहीं आए तो हम इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे। आप लोग कमेंट करिए अगर आपको इस मूवी के बारे में जानना है, मतलब स्पॉइलर नहीं देंगे आप लोगों को। लेकिन जो अंदर जो मूवी क्या सिखाना चाहती है, कैसी है, विवादित है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं देखिए, अभी जा रहे कहीं। मजा आ गया यार, मैंगो शेक भी का मजा जाता है। लेकिन गाइस हमारे पास एक आइडिया आ रहा है, अभी गर्मियों का भी सीजन चल रहा है तो क्यों ना एक बार मैंगो शेक की इनकम का पोस्टमार्टम करा जाए। और मेरे पास एक आइडिया भी आ रहा है कि क्यों ना जैसे कि हम इनसे पूछते हैं कि डेली कितने कस्टमर आ जाते हैं, एक बार ये काम भी करके देखते हैं, उनसे बात करते हैं, वहां पे खड़े रहते हैं, वहां देखते हैं कि कितने कस्टमर आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंगो शेक वाला बनते हैं एक दिन के लिए, आप लोगों को भी पता चल जाएगा रियलिटी और कंटेंट भी बढ़िया निकल के आएगा, लोगों को मजा आएगा, आपको मजा आएगा कि नहीं आप कमेंट में बताइए। आइडिया तो अच्छा है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग जोमेटो वाले को पूछते हैं कि जोमेटो वाले भैया डेली कितने ऑर्डर कर देते हैं, तो क्यों ना खुद ही जोमेटो वाले बन के खुद ही देखा जाए कि एक जोमेटो वाला कितने ऑर्डर कर लेता है। ऑल्दो ये भी डिपेंड करता है रेटिंग के ऊपर उसकी, जिसकी रेटिंग ज़्यादा होती है उसको ऑर्डर भी ज़्यादा मिलते हैं। तो देखते हैं आप लोग कमेंट्स बताइए मतलब ये चीज कैसी लगेगी, और जोमेटो डिलीवरी BMW के साथ करी जाए कमेंट्स बताइए। एंड गाइस चेक दिस आउट, शाहरुख खान आ गया शॉपिंग करके भाई साहब। मम्मी का चिल्लाने का मन हो रहा है मगर मम्मी कैमरे में नहीं बोल पा रही है। देखा देखा मूड से पता चल गया, ऐसा लग रहा है मांग के आ रहा है जैसे ऐसा झूला इसका। ओह टी शर्ट एंड एंड ओ माय गॉड ये कॉल आ रहा हमारे लिए। ओ माय गॉड व्हाट इज दैट एंड वाह इतने गर्म लग रहे हैं। देखने में देख नहीं देख रही मम्मी, ये वाली है ये और ये वाली जो है हमारे, ये वाली अच्छी लग रही है व्हाइट वाली। ऐसे लिया तो भाई आने जाने कपड़े ये नहीं ले लिया जो घर में जो पहले रखे हो अपने अपने। चलो ठीक है का है हैं सॉफ्ट बूटी का दे देखा जरा जल्दी ट्राई करके देखेंगे। देंगे नहीं पर हम सोचा कि अच्छी लग रही है हमको दे दो तुम अपनी दूसरी जो। गाइस शाहरुख खान ने लाए हैं नए शर्ट मेरे लिए है ना, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं है। यही है भाई देख नहीं देख नहीं यही है भाई देख नहीं वो सब ठीक है। ये टी शर्ट उल्टी क्यों पहनी है यार, उल्टी टी शर्ट पहन ली अच्छे से क्या? अरे और कहीं उल्टी पहन ली है तुम्हारी की, तुम्हारी बाइट वाली शर्ट की वजह से हुआ है। जिससे भी हुआ उल्टी तो पहन ली। बंद कर दो कौन सी वाली आज जो डाली थी वो केरला स्टोरी वाली। अरे कौन सी वाली हमने देखी थी। अरे तो केरला स्टोरी हमने डाली डूरी सुबह ही आ गई थी 8 बजे आ गई थी हमने। अरे लोगों ने देखी है भाई, पता हमने खुद देखी थी, 40-50 लोगों ने देखी भी थी। कहाँ चली गई, कहाँ चली गई देखो हमने देखी है यार। अब जो खुल नहीं रहा लैपटॉप, मम्मी चेक करिए आप भी अपने फोन में चेक करिए वीडियो कहाँ गई। अरे यार कहाँ चली मम्मी, गड़बड़ हो गई। क्या हो गया ये हो गया मम्मी, क्या होता किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। क्यों उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कॉपीराइट, तो लोग कहते थे फिर गाना ना कोई डाल देता वो था। कोई गाना था वीडियो में, ऑडियो हमने यूट्यूब से दी थी है ना, वो हम डालते चले आ रहे हैं बहुत बार, वीडियो भी मेरी पूरी थी, हमने ऐसा तो कोई केरला स्टोरी मूवी लगाई है उसमें, तो वीडियो में कॉपीराइट कहाँ से आ गया देखो, उसमें कहाँ से लग गया, डालो मेल कैसे क्या होगा, हमें लग रहा फेक कॉपीराइट। गाइस चेक दिस आउट, यहाँ पे किसी ने हम लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है और यहाँ पे वीडियो रिमूव फ्रॉम यूट्यूब। यहाँ पे अगर नेक्स्ट टैप करते हैं और मेरी वीडियो भाई ओ माय गॉड स्ट्राइक आ गई गाइस है तुम्हारी की, जबकि हमने मूवी का एक पार्ट नहीं डाला और ना ही हमने वहाँ का दिखाया सिनेमा हॉल का, क्योंकि हम मालूम है कि मूवी ऐसी है जिसमें
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते, इसलिए हमने मूवी का एक भी पार्ट नहीं दिखाया। तो ये क्या है फिर, अब क्या इंसान अपना भी कंटेंट ना बनाए? देखो देखो और गाइस चैनल, अब हमें पता है चैनल में अगर 3 अगस्त स्ट्राइक आ जाएंगे तो चैनल पूरा डिलीट हो जाएगा। देखो जरा, और जो स्ट्राइक दिया किसने, यहाँ पे लिखा है अगर स्ट्राइक अगर नहीं हटाई गई मैनुअली, किसी ने डिटेक्ट करके मैनुअली मेरी, मतलब मेरी ही वीडियो में स्ट्राइक दिया मैनुअली, antipiracy@applex.com ने कॉपीराइट दिया है। अब क्या इनकी मूवी थी क्या? ये फेक कॉपीराइट है यार, ये फेक कॉपीराइट है। हमने पूरी पूरी रात वीडियो बनाते जग के, और छह से सात आठ घंटे मेहनत करते हैं, वहाँ पूरा गए थे मूवी की वीडियो बनाने, यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं, ना खाना ना पीना, ये मिल रहा है। और यहाँ पे डोमेन जरा एक बार डायल कर रखें ना, है कौन ये applex.com, ये कोई डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, पता नहीं कौन सी, एकदम फटीचर टाइप की। अरे इनसे क्या मतलब है यार हमारी वीडियो से? अरे इन्होंने तो कॉपीराइट दे दिया, अब यार हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं भाई, मेरे 1500 सब्सक्राइबर और जो 3-4 हज़ार घंटे का जो वॉच टाइम हम लोग कर रहे हैं एक एक दिन रोज रोज वीडियो डालने का, मजा आ रही क्या? तुमने तो कॉपीराइट दे दिया, वो भी ऐसा कॉपीराइट दिया जो हम डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसा कॉपीराइट दिया। मेरी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हमने कोई मूवी के बारे में गलत बोला ना, हमने कुछ इसमें मूवी के सीन दिखाए ना, गाना लगाए, कुछ भी तो नहीं करा यार। तो गाइज aiplex.com को हम लोगों ने ईमेल लिखा है, अपोलॉजी मांगी है यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव करने के लिए। इसमें लिखा है, जो भी लिखा आप पढ़ लीजिएगा, सामने आपके सामने है सारी चीजें। देखिए गाइज, माना कि फेक कॉपीराइट आया है उनकी तरफ से, मगर हमेशा एज अ जेंटलमैन पहले आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बात हमेशा हल्के से सॉल्व हो जाए। अगर आप किसी से अपोलोगाइज कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, भले गलती अपने ना हो, कोई दिक्कत नहीं, मांग के देखिए, अगर सामने वाला अच्छे से बिहेव करे तो आप उसको समझौता कर लीजिए और अपना काम निकालिए बस। लेकिन अगर सामने वाला नहीं आपकी बात मानता है, आपके अच्छे व्यवहार का फायदा उठाता है, तो फिर हमारे पास फिर लीगल एक्शन तो है। मगर हमारी वीडियो आपने देखी है, गलत नहीं है तो नहीं है। पहले हमने प्रॉपर इंग्लिश में माफीनामा लिख के भेजा है, और देखते हैं अगर हटी तो फिर बहुत बढ़िया, चूंकि यार लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे चैनल अफेक्ट मेरा हो रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल में आ रही है, मेरा परिवार छूटेगा, उनका क्या जाएगा? अभी हम लोग इसको सेंड कर दे रहे हैं और यहाँ पे मैसेज सेंड हो चुका है। अब देखते हैं रिस्पांस में क्या आता है क्या नहीं आता, मगर यार बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। हम लोग रात में क्या, मेरा मन नहीं करता हम 9 बजे से लेके बढ़िया रात में 3-4 बजे तक टिकटॉक चलाएं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखें, मगर फिर भी हम लोग ये सारी चीजें पीछे करके रोज वीडियो एडिट करते हैं ताकि आप लोगों के लिए वीडियो लाए, कंटेंट बनाए, यूट्यूब चैनल ग्रो करे, अपने भी कुछ ख्वाब है यार, इसीलिए मेहनत कर जा रही है। मगर क्या बनाए, फालतू के लोग फालतू काम कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें लाइफ का पार्ट होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आप क्या रिस्पॉन्स आता है। ये सारी चीजें आपने सिखाने के लिए, आज फेक कॉपीराइट आई है, कल हो सकता है रियल आ जाए, तो आप इसको कैसे पेश करोगे? तो फिर भाई डेमो ऊपर वाले ने दिया है, सीखो और सिखाओ। एंड गाइस चेक दिस आउट, हम लोगों के चैनल में होने वाली है 500 वीडियो कंप्लीट और 1.57K सब्सक्राइबर हो चुके हैं लाइफस्टाइल जेंटलमैन फैमिली के। 500 वीडियो हो गए गाइस, 500, बस 2 वीडियो और डालनी है कल और परसों, बस 500 हो जाएंगी। ये सारी चीजें आप लोगों की वजह से हो रही है, थैंक यू सो मच गाइस, 500 वीडियो पे इतना बड़ा फसोड़ा आ गया। तो गाइज हम लोगों ने रीअपलोड कर दी है केरला स्टोरी वाली वीडियो, दोबारा हमने रीअपलोड कर दी है और हमने मेल भी भेज दी है। तो आप लोग जाके देखिए वीडियो को और बताइए कि आप लोगों को मतलब इसमें क्या कमी देखी है, इसमें कॉपीराइट क्यों आना चाहिए? हट गया, हट गया, नहीं हटा नहीं है, हमने मेल भेज दी है। तो कर लो, किसने डाली भाई? हाँ तो हमने रिक्वेस्ट कर दी है, वो अब देखिए क्या बात है भैया, आँखों के आँखों में आप। अरे कहाँ रो रहे, फालतू में रो रहे। और क्या, रो तो गए हो। हाँ नहीं ठीक है, मेहनत है भाई, होता है तो। और गाइस जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है सेम यही प्रॉब्लम इन लोगों के साथ भी हुई है, हम लोगों को फेक कॉपीराइट और आ रहा है यूट्यूब की तरफ से, मतलब यूट्यूब की तरफ से नहीं, कोई फेक वेबसाइट बना के यूट्यूब बना के और फेक कॉपीराइट दे रहा है। बेचारे गरीब लोग हैं, इनका भी यही हाल है, इनके करीब सब्सक्राइबर, इनका नाम है विजय रिया ब्लॉग और इनके चैनल में सब्सक्राइबर है 7,50,000, बेचारे बहुत परेशान है। लास्ट की 1-2 वीडियो डाली इसमें लगातार कॉपीराइट आ रहा है, जो कि सेम चीज मेरे साथ हुई है वही चीज इनके साथ भी हो रही है भाई।
यूट्यूबर जानता है कि अगर एक एक व्यूज की क्या वैल्यू है। आप लोग देखते हो वीडियो, लाइक करते हो और आप लोग तो लाइक कर देते हो मगर उस लाइक के पीछे इतना प्यार इमोशन हम लोग जोड़ के रखे हैं कि हम लोग जानते हैं। तो गाइस यहाँ पे चेक करिए, हम लोगों के कॉपीराइट आने की खुशी में मम्मी ने कमरे में लाइटें बढ़वा ली। हाँ तो भाई साहब पुराने बल्ब हो गए थे, यहाँ पे लाइट है तो की कमी हो गई थी। खैर अभी ये नया बल्ब लगा है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने कमिटमेंट करी थी कि भाई साहब आप जंक फूड नहीं खाएंगे, मगर आज मम्मी का मन कर गया बर्गर खाने का, तो आज सारे जबरदस्ती बर्गर ले आए। तो गाइस चेक दिस आउट, अपना माल पानी आ गया। लग रहा हम थोड़ा सा सैड हो गए, इसलिए मम्मी ने खुश करने के लिए मंगवाया है ये ये ये। केवल बर्गर नहीं है, हाँ देखिए वड़ा पाव भी है जो कि मुंबई से लाए हैं अभी जाके। मुंबई, हाँ इनकी शक्ल देख रहे हो मम्मी, फ्लाइट पकड़ के आए। हाँ हाँ मम्मी कहाँ गई थी, अभी तो यहीं पे लेटी नहीं। हाँ देखो कह रहे झूठ बोले जा रहे हैं, देख रहे मुंबई से लाए भाई साहब वड़ा पाव। कहाँ मिल गया वड़ा पाव तुम्हें? मुंबई से बताओ कहाँ मिल गया वड़ा पाव? मुंबई से। यहाँ पे हम लोग खाने जा रहे हैं बर्गर के साथ साथ वड़ा पाव, पता नहीं वड़ा पाव धनिया मम्मी खाएंगे। अब पता नहीं वड़ा पाव लाए हैं कि नहीं, पहले चेक कर ले, पता चला मुंबई तो झूठ बोली थी, वड़ा पाव को भी झूठ बोल दे, मगर हाँ कन्फर्म है बर्गर है। बर्गर का भी हैप्पी बर्थडे करने क्या? हाँ हाँ एंड गाइस चेक दिस आउट, ये है वड़ा पाव। ओ माय गॉड, OMG चेक दिस आउट, वड़ा पाव के भी चार टुकड़े हो रहे हैं। अच्छा सर तुम तीन ले आते, क्या पता खाओ भाई, निकालिए तो पहले। और एंड गाइस सेकंड आइटम, बड़ी मुश्किल से मम्मी मोमोज बोलना सीखी, वरना मैं हूं। गाइस चेक दिस आउट, हम लोगों के एकदम फेवरेट वाले मोमोज, ये कहाँ से ले आइटम? अच्छा ये भी मुंबई से ले आइटम है, मुंबई में अच्छी मिलती है। एंड गाइस ये मेरा आइटम है, इसको आधा नहीं करा जाएगा, इसके साथ कोई शेयर नहीं। नहीं फैल जाएगा बर्गर नहीं। हाँ ऐसे लग रहे थे भंडारे में खा रहे हैं, कन्या बट रही जैसे। देख ले मुंबई का कैसा होता है, मिर्चा खा के लाल हो गए आके। ये होना बात, कॉपीराइट आने पे इतनी सारी चीजें खाने मिली। चलो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, आज कॉपीराइट आ गया इसलिए मूड भी थोड़ा सा खराब है, मगर क्या करें, लाइफ में ये सारी चीजें भी होना बहुत जरूरी है। तो फिर वीडियो को आप भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, आगे की अपडेट हम अभी आपको देते हैं। बाय बाय।